Pisces, welcome to Guru Mind the Tarot. और ये रीडिंग है 6th of November से लेकर 12th of November तक की. तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में. Justice, Four of Cups, The Hanged Man, Ten of Swords, and Ace of Cups. तो मेरे पास है Hanged Man. Hanged Man के कार्ड के साथ wisdom का यूज कीजिए, क्योंकि wisdom ही आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा. Ten of Swords के साथ आप काफी हर्ट नजर आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है पाइसेस कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके लाइफ में ये क्यों हो रहा है. आपको आखिर कोई ऐसा पर्सन क्यों नहीं मिल पा रहा जो आपकी वैल्यू को समझे, आपके प्यार को समझे, आपको वैसी जिंदगी दे सके जैसा आप चाहते हैं. एंड क्यों आखिर इस तरीके से बैड लक आपको चेज कर रहा है, ये आपकी फीलिंग हो सकती है इस पॉइंट पे. पर फोर ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि आप शायद इस वक्त किसी बात से इतनी ज्यादा निराश हैं कि अपनी आसपास की ब्लेसिंग्स को भी नहीं देख रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं. थ्री ऑफ कप्स आपके पास ऑलरेडी है एंड जो चीज आपको चाहिए वो आपको ऑफर हो रही है. ओके पाइसेस, एंड शायद आप ये रियलाइज नहीं कर पा रहे, आपको इस वक्त यूनिवर्स के तरीके शायद समझ नहीं आ रहे. एंड इसमें कोई गलती भी नहीं है आपकी. कभी कभी लाइफ ऐसी हो ही जाती है कि हम क्लियरली देख नहीं पाते. पर टेन ऑफ सोर्ड्स आपकी लाइफ में इसलिए आया है क्योंकि जो सबसे बुरा चैप्टर था वो ऑलरेडी आपके लाइफ में हो चुका है. ओके, जितना कुछ आपको झेलना था, जितना कुछ आपने आज तक झेला है, उसके आगे सिर्फ खुशियां ही हो सकती है. ये नेगेटिविटी अब आपके जीवन में नहीं आ सकती. ओके, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस सारे कार्मिक डेट को पे कर दिया है. कार्मिक डेट वो डेट होते हैं जो हमें चुकाने होते हैं जब तक कि हम अपने लेसन्स नहीं सीख जाते. पाइसेस, आपको ये बात याद रखने की जरूरत है कि आप जो चाहते हैं वो आप तक तभी आ सकता है जब आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो. ओके, आपको इस पॉइंट पर ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ से सब कुछ छिन गया है, सब कुछ चला गया है एंड आपके पास कुछ भी नहीं है. पर ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको कुछ ऑफर हो रहा है. एस ऑफ कप्स के साथ यूनिवर्स आपको कुछ नया ऑफर करना चाहता है, आपको कुछ ऐसा देना चाहता है जो आप हमेशा से चाहते थे. पर इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा. ओके, एंड प्रिपेयर्ड रहने का एक ही तरीका है कि आप इस नेगेटिविटी के आगे देखने की कोशिश करें एंड एक बार गौर से सोचें. आपके इमोशंस आप पे बहुत ज्यादा भारी हो रहे हैं. हैंग वन आपसे कह रहा है कि जरा सोचिए प्रैक्टिकली, क्या इससे बुरा कुछ हो सकता है, क्या इससे ज्यादा दर्द आपको मिल सकता है? नहीं. तो आगे फ्यूचर में आपका जो रास्ता है वो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होने वाला है. आई मीन अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स बची हैं, पर उसकी तरफ आपको देखना होगा. अगर आप यहां ही रुके रहेंगे, यहीं पे टेन ऑफ सोर्ड्स से स्टक रहेंगे, टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ रहेंगे, तो फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ेंगे. और फ्यूचर की तरफ नहीं देखेंगे तो आपको दिखाई ही नहीं देगा कि फ्यूचर में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं आपके पास. ठीक वही बात यहाँ इस कार्ड पे हो रही है. ये पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, थ्री ऑफ कप्स तो शायद देख सकता है, मगर फोर्थ कप जो ऑफर हो रहा है वो उसे बिल्कुल देख भी नहीं पा रहा है. तो यूनिवर्स आपके लाइफ में रूम क्रिएट कर रहा है, वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, जहां पे कोई पॉजिटिविटी आ सके, जहां पे नई होप
होप्स आ सके एंड जस्टिस हो रहा है यहाँ पे. ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता तो इन्हें आपके लाइफ से जाना ही पड़ेगा. ओके शायद इस पॉइंट पे आपको ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बुरी लग रही हो. डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा क्योंकि आप इस पर्सन से इमोशनली अटैच्ड हैं, पर जस्टिस हमेशा कुछ ब्यूटीफुल लेके आता है. बस वेट कीजिए समय के कुछ और आगे बढ़ने का, सारी चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें अपने आप सामने आती जाएंगी. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. Knight of Swords, Queen of Cups, Judgment, The Empress, and Ten of Wands. Judgment का कार्ड है. I think ये person आपको judge कर रहा है. ये person आपको शायद बहुत ज्यादा controlling बताना चाहता है, आपको बहुत ज्यादा self-centered बताना चाहता है. शायद ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, जबकि टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ सारे बोझ को आप ही कैरी कर रहे हैं. यूनिवर्स आपसे कह रहा है आपको इस बोझ को कैरी करने की जरूरत ही नहीं है. यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं. ओके आपको हर सुख पाने का अधिकार है क्योंकि आपने भी दिया है. क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसे पर्सन को दर्शाता है जो खुद से भी ज्यादा दूसरों को इम्पॉर्टेंस दे सकता है, सेल्फलेस और अनकंडीशनल लव के. बट शायद आप ये बात भूल गए हैं कि आप क्या डिजर्व करते हैं एंड आप कंटिन्यूसली इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप खुशी पाने के बजाय फ्रस्ट्रेशन आपको मिल रहा है. एंड आपको एक बात नहीं पता कि अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ भी देंगे तो भी ये पर्सन आपको चेस करेगा. नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ पाइसेस, ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकता, इनका वैलिडेशन ही आपसे आता है. ओके आप ये भूल गए कि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, पर ये पर्सन नहीं भूला. ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि आप कौन हैं एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ साथ द एम्प्रेस भी हैं आप. तो डेफिनेटली इस पर्सन को पता है कि ये आपको लूज नहीं कर सकते. नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत रेस्टलेस है, इन्हें वैलिडेशन चाहिए आपका, दूसरों का और जिसका भी हो सकता है उसका. इस पर्सन को अटेंशन पाने की बहुत आदत है और अगर इन्हें अटेंशन ना मिले तो इन्हें टेंशन हो जाती है. सो आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या ये पर्सन यहाँ रहेगा या ये जाएंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको लूज नहीं कर सकते. ये बात आपको समझनी होगी. आपको किसी चीज़ को चेस करने की या एफर्ट करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है. चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. सेक्रेट टेम्पल, तो सेक्रेट टेम्पल का मतलब है कि आप अपने हार्ट से कनेक्टेड हैं. आपको ज़रूरत है अपने अंदर के भगवान की पूजा करने की सबसे पहले, बजाय किसी और को इम्पोर्टेंस देने के. भगवान से मेरा मतलब आपका स्पिरिट, आपकी सोल, एंड उसे अटेंशन देना ज़रूरी है, अपने बारे में सोचना ज़रूरी है. एंड वही सच्चा डिवोशन है, वही ट्रू सेंस में आपकी पूजा है या जो भी आप कहें. तो यहाँ पे सेक्रेट टेम्पल के साथ बहुत ज़रूरी है अपने आप को इम्पोर्टेंट समझना और अपने अंदर की स्पिरिट को रिस्पेक्ट देना. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी.
Thanks for watching. Till next video. Bye.